फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। अब ये है क्या, ये जरा समझिए, इसका भी बस प्रोसेस आपको जानना है। कहा गया कि लोग जो है वो इंडिया में गड़बड़ घोट, देखिए बहुत छोटा सा ज्यूरिडिक्शन लेकिन इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट है। कहा कि लोग इंडिया में क्या कर रहे हैं, इंडिया में जो है वो पैसे ले रहे हैं, जब पैसे लेने के लिए जाते हैं तो उससे पहले भाग भूग जाते हैं। अगर वो इंडिया में रह करके कोर्ट के प्रोसेस का सामना कर रहे हैं तो ये एप्लीकेबल नहीं है। ये एक्ट सिर्फ इतना ही कहता है, भगोड़े भागो मत, अगर नहीं भागोगे तो ये एक्ट आपके ऊपर लगेगा ही नहीं। हम आपके ऊपर किसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करेंगे, जो हमारा क्रिमिनल कोड है या सिविल, सिविल है तो सिविल के अकॉर्डिंग करेंगे, क्रिमिनल है तो क्रिमिनल के। ये एक्ट आपके ऊपर नहीं लगेगा। इस एक्ट के तहत पहले हम आपको डिक्लेयर करेंगे कि आप क्या है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। अगर ये डिक्लेयर हो गया तो उस केस में इस एक्ट ने बोला है कि इसके सारे अधिकार छीन लो। बोला कौन सा अधिकार, कहा जितने भी सिविल कोर्ट में जितने भी इसके मामले चल रहे हैं किसी भी चीज को लेकर के, इन सारे चीजों से इसको वंचित कर दो। यानी कि इनका कोई राइट अब नहीं रह गया। क्यों, क्योंकि क्यों ये भगोड़े हैं, आए अपनी फेस दिखाएं और सामना करें। ये सिर्फ इसी पर्पस के लिए कि आपको यहां क्या किया जा सके, लाया जा सके। आपको जो है वो पहले डिक्लेयर कैसे किया जाएगा, किसको बोला जाएगा फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, और उसके ऊपर से किस समय ये चीज हट जाएगा। अगर आपको डिक्लेयर कर दिया गया फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर द मोमेंट यू अराइव्ड इन इंडिया एंड यू आर एग्री टू बी सूड अंडर द कोर्ट ऑफ लॉ, तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, बट आपके ऊपर से ये सेक्ट हट गया, अब यू आर नो मोर व्हाट, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। कोर्ट से पहले ये निकलवाना पड़ता है और ये कहलवाना पड़ता है कि डिक्लेयर कीजिए, क्योंकि डिक्लेयर करने पे कहा गया कि उसके सारे संपत्ति क्या कर लिए जाएंगे, जब्त कर लिए जाएंगे, चाहे वो इंडिया में हो चाहे कहां हो। तो इंडिया से बाहर कैसे करेंगे, इसी के लिए तो हमने ट्रीटी वगैरह किया, वो जो आपने देखा था उसमें ये सारा चीज शामिल है। और वही सारे ऑथोरिटी यहां पे भी आप याद कीजिए, मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं देखा था एक्ट में फेमा भी लिखा हुआ था और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर भी लिखा हुआ था। तो सबसे पहले जरा समझते हैं कि किसको बोलेंगे फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। कितना बड़ा फ्रॉड करके भागा है, 100 रुपया किसी का लेकर के जो है वो भाग गया, दूसरे कंट्री चला गया और नहीं आ रहा है, कुछ तो बताना पड़ेगा ना, क्योंकि लॉ तो बिल्कुल फिक्स रहेगा। बहुत बड़ा अमाउंट, कितना बड़ा, मेरे लिए तो 12 रुपया बड़ा हो गया, किसी के लिए 12 करोड़ भी बड़ा नहीं हुआ। तो कह रहे हैं कि इसी तरह से सबसे पहला काम कि कौन क्या कहलाएगा, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, और कैसे उसको क्या करेंगे, हम डिक्लेयर करेंगे। बस इतना ही जानना है इसमें। चलिए तो पहला चीज जानिए, और वो है कि यहां पे एड्रेस करेंगे किसको, इकोनॉमिक ऑफेंडर को, और ये किसके लिए हम क्या बनाएंगे, जो हमने बोला हर केस में ही है स्पेशल कोर्ट, तीनों में आप देख रहे हैं स्पेशल कोर्ट बनाएंगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि कौन सा बंदा जिसके ऊपर ऑफेंस जो लगा हुआ है वो कितने का है, नहीं 100 करोड़ से क्या है, ज्यादा। 100 करोड़ से क्या होना चाहिए, देखते हैं देश में कितना पैसा, गरीब देश, जब उनके ऊपर इल्जाम जो लगे वो कितने से ज्यादा का होना चाहिए, मतलब बैंक वगैरह से लोन लिया 90 तक का है तो इस एक्ट को मत लाइए, वसूलिए जो करना है। 100 करोड़ से क्या है, लेकिन सिर्फ इतने से, 1000 करोड़ किसी ने लिया और कहीं भी किसी भी तरीके से पैसे नहीं आए तो वो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, कहा नहीं। नीचे का पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, इवेडिंग प्रोसिक्यूशन बाय रिमेनिंग, कहा जानबूझ करके आप इंडिया से बाहर रह रहे ताकि वहां पे इंडियन कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन काम, तो आपके केस में जो ऑफेंस इन्वॉल्व है उसमें पैसा कितना है, इकोनॉमिक ऑफेंस से कितने पैसे, 100 करोड़ से, और आप अपने आप को इंटेंशनली कहां रख रहे हैं ताकि आपके ऊपर यहां के कोर्ट को एक केस। ये दोनों कंडीशन जब फुलफिल होगा तब हम आपको क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक, अब डिक्लेयर करने का प्रोसेस भी जानेंगे लेकिन तब आप कहलाएंगे इकोनॉमिक ऑफेंडर। यहां पे कह रहे हैं कि देखिए हर जगह जो वर्ड यूज करते हैं वो है कि एनी इंडिविजुअल अगेंस्ट होम ए वारंट ऑफ अरेस्ट इन रिलेशन टू विच ऑफेंस, आप याद कीजिए मनी लॉन्ड्रिंग में भी बोलते थे तो वहां पे बोलते थे क्रिमिनल एक्टिविटी में जितने तरह की एक्टिविटी है सब। यहां पे कह रहे हैं कि शेड्यूल ऑफेंस यहां पे बताया गया, रिलेशन टू शेड्यूल ऑफेंस, और शेड्यूल ऑफेंस में देखिए किसको कहा गया कि शेड्यूल ऑफेंस, जिस ऑफेंस में अमाउंट जो इन्वॉल्व होगा वो कितने रुपए का होगा। ठीक है, तो आपने शेड्यूल ऑफेंस किया है
और शेड्यूल ऑफेंस करने के बाद कहां चले गए हैं? इंडिया से बाहर चले गए हैं। किस चीज के लिए? ताकि प्रोसिक्यूशन को क्या करने के लिए? अवॉइड। या आप बीइंग अब्रॉड, इंडिया से बाहर हैं, रिफ्यूजेस टू रिटर्न टू इंडिया, हमने आपको बोला कि आ जाइए और फेस कीजिए किस चीज को? प्रोसिक्यूशन को। आप कहते हैं नहीं आऊंगा, जो करना है कर लो, नहीं वैसे नहीं बोलेंगे, वो वाला लैंग्वेज बोलेंगे तब तो वो गलत हो जाएगा। तो लॉ में ने यही बोला है कि जो करना है वो कर लो। अगर जो है वो ऐसा बोला तो ऐसे केस में ये क्या कहलाएगा? फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। अब सजाने के लिए इन्होंने बोला शेड्यूल ऑफेंस। आसान शब्दों में, कोई भी ऐसा बंदा जिसने एक ऐसा इकोनॉमिक फ्रॉड किया है जिसमें अमाउंट जो इन्वॉल्व है वो 100 करोड़ से क्या है, और वो जो है वो इंडिया से बाहर चला गया है, उसको इंडिया से बाहर है और अगर हम बुला भी रहे तो भी इंडिया नहीं आ रहा है और यहां के प्रोसिक्यूशन को फेस, तो उसे हम क्या बोलेंगे? लेकिन इसको डिक्लेयर करने के लिए पूरे तरह से उन्होंने क्या दिया हुआ है? तरीका जो है वो दिया हुआ है शेड्यूल। हाँ, सौ करोड़ या उससे ज्यादा आता है शेड्यूल ऑफेंस में। क्या दिया हुआ है? वैल्यू इन्वॉल्व इन इतने, जो यहां पे है, एक मिनट, ठीक है। शेड्यूल ऑफेंस जो है, अब जरा अगर कहीं पे कंफ्यूजन आए तो चलिए, उसी तरह से कहा गया कि जब तक कोई शेड्यूल ऑफेंस नहीं करेगा, और इस एक्ट के अकॉर्डिंग शेड्यूल ऑफेंस का मतलब क्या है? 100 करोड़ या उससे। इसका मतलब है कि वो जो इंट्रोडक्शन में भी जो है हमारा है, वहां पे भी क्या होगा? 100 करोड़ या उससे ज्यादा ही होगा दोनों ही केस में। तो चूंकि वहां पे आप इन जनरल स्टेटमेंट लिख रहे हैं इसीलिए दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप किसको डिफाइन कर रहे हैं तो आपको जो शेड्यूल ऑफेंस को, अब यहां पे इन्होंने नाम दिया कि कौन कौन सा चीज शेड्यूल ऑफेंस के दायरे में, इसमें से कुछ आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग, कुछ बैंकिंग एक्ट के अकॉर्डिंग, कुछ कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, और एक तो हमारा देखिए इसके अकॉर्डिंग भी आ गया, बेनामी के अकॉर्डिंग भी आ गया। देखिए सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट इसके अकॉर्डिंग, यहां एलएलपी कंपनी लॉ, और हमारा यहां ये देखिए, इसीलिए बोल रहा हूं कि ये जुड़ा हुआ, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं क्या है, लेकिन इन तहत जो भी ऑफेंस होगा अमाउंट कितना होना चाहिए? 100 करोड़ या उससे, और बंदा जो है वो इंडिया से चला गया हो और बुलाने पे भी इंडिया ना आ रहा हो। ओवरराइडिंग इफेक्ट कहा, चाहे कुछ भी किसी भी कानून में क्यों ना लिखा हुआ हो, चाहे कितना भी किसी के साथ इनकंसिस्टेंट क्यों ना हो जाए, जो इस एक्ट ने बोला वो क्या कर जाएगा? हर जगह ओवर रूल कर जाएगा। साफ लिखा हुआ है फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया, चाहे इंडिया में कोई भी कानून उस समय क्यों ना हो। साथ ही कहा किसी भी कोर्ट को किसी भी ट्रिब्यूनल को किसी भी अथॉरिटी को इस एक्ट के तहत जो है उसको छोड़ करके किसी भी तरह से क्या देने का कोई अधिकार नहीं है, इंजंक्शन कि तत्काल स्टे लगा देते हैं। बोला कोई तत्काल स्टे नहीं, किसी को कोई ऑर्डर देने का राइट सिर्फ किसके पास पावर है? इस एक्ट के तहत जो आपके ऑथोरिटी होंगे सिर्फ वही चीजों को क्या करेंगे? एडजुडिकेट करेंगे, कोई ताकि बीच में रोक ना लगा दे। अब इसका प्रोसेस क्या है ये समझिए, यही प्रोसेस आपका मेन है और काम खत्म है। तो देखिए प्रोसेस में सबसे पहले डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर इन्फोर्समेंट डायरेक्टर। अब ये देखिए फिर आ गया जो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत थे, तो वो जो है उनके पास कोई रीजन है किस बात का, किस बात को लेकर के, कि ये जो है वो बंदा क्या है? फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है। अगर ऐसा है तो वो किस कोर्ट में फाइल करेंगे? स्पेशल कोर्ट में जो है वो फाइल करेंगे, क्या करने के लिए? इस बंदे को क्या डिक्लेयर करो? आप डिक्लेयर करोगे तब ना जाकर के हुजूर हम क्या करेंगे, सब कुछ कॉन्फिस्केट करेंगे, जब्त करेंगे, क्योंकि जब तक आप उसको इकोनॉमिक ऑफेंस ऑफेंस क्या नहीं साबित कर देते हैं, इकोनॉमिक फ्यूजिटिव ऑफेंडर जो है वो उसको नहीं डिक्लेयर कर देते हैं, तब तक हम क्या नहीं कर पाएंगे उसको, ना उसका कोई प्रॉपर्टी हम अपने कब्जे में ले पाएंगे, ना कोई आगे की कार्रवाई कर पाएंगे। ठीक है, जब आपने ऐसा दिया तो इस एप्लीकेशन के साथ आप क्या बताएंगे, बताइए ना आपके पास क्या ऐसा वजह है, क्या देखा, क्या कारण है जिसके कारण आपको ऐसा लग रहा है।
और आप उन सारे के सारे प्रॉपर्टी का क्या दीजिए, लिस्ट दीजिए जो आप कह रहे हैं कि उसने कैसे कमाया है। अब देखिए प्रोसीड ऑफ क्राइम हमें यहां नहीं डिफाइन करना क्योंकि प्रोसीड ऑफ क्राइम अब हमें पता है। तो देखिए वहां पे भी हमने देखा, यहां पे भी ये वर्ड आ गया, चाहे वो इंडिया में हो चाहे इंडिया से, जो भी आप बताइए ना प्रोसीड ऑफ क्राइम से कहां कहां कितना प्रॉपर्टी उसने जमा कर लिया है। अब आप लिस्ट ऑफ बेनामी प्रॉपर्टीज दीजिए, आप जो कॉन्फिस्केट करना चाह रहे हैं वो भी दीजिए, और कौन सा दीजिए, चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया से क्या हो बाहर हो, और लिस्ट ऑफ उन पर्संस का भी दीजिए जिनका उन प्रॉपर्टी में और क्या हो सकता है, किसी कारण से बेनिफिशियल ओनर हो सकता है, पार्टनर हो, कोई भी और हो। ठीक है, दे दिया हमने एप्लीकेशन के साथ ये सारी बात। किसने दिया, डायरेक्टर ने दिया, किसको दिया, स्पेशल कोड जो इसमें बनते दे दिया। ठीक है, ये चीजें जब इनको दे दी गई तो इन्होंने क्या किया, शैल इशू अ नोटिस, किनको, जिनके ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं कि वो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक क्या है, ऑफेंडर है, उनको नोटिस शैल ऑल्सो बी इशूड टू एनी अदर पर्सन हु हैज एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। उन सबको नोटिस भेजा, सीधे थोड़ा ना अरेस्ट कर लेंगे या प्रॉपर्टी सीज कर देंगे कि भाई बताइए हम आपको क्यों ना क्या डिक्लेयर करें, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर किए। ठीक है, अब जब आपने ये नोटिस दिया तो आपको कम से कम उसे 6 सप्ताह का समय देना पड़ेगा, 6 वीक्स का। अब ये सब एमसीक्यू का पार्ट है, इतना तो अकल आप रखेंगे कि यहां ध्यान रखेंगे कि ये क्या पूछा जा सकता है, किसमें, एमसीक्यू में। तो 6 वीक्स का कम से कम टाइम देंगे, जब आप नोटिस देंगे तो उस नोटिस में क्या करेंगे, 6 वीक्स का कम से कम टाइम देंगे क्या करने के लिए, आ जाइए, आ गए तो आपके ऊपर ये चीज ही खत्म हो गया, क्योंकि हम तो आपको क्या डिक्लेयर करना चाह रहे हैं, और वो तो तभी होगा जब आप प्रोसिक्यूशन से बचेंगे। तो हमने 6 सप्ताह का समय दिया, इंतजाम कीजिए वीजा पास जो भी पासपोर्ट और आ जाइए। ठीक है, स्टेट दैट, और ये जरूर उस नोटिस में लिख दीजिए कि याद रखिए अगर 6 सप्ताह में नहीं आए तो हम आपको क्या डिक्लेयर कर देंगे, ये बात साफ साफ लिख दीजिए। ये नहीं कि इस नोटिस को बस समझिए कि बुला रहा है फिर नोटिस आएगा फिर नोटिस आएगा, साफ लिख दीजिए अगर नहीं आए तो हम आपको क्या डिक्लेयर कर देंगे, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, और साथ ही साथ कहा गया कि जब आपने नोटिस दिया उस नोटिस के जो है वो 2 सप्ताह के भीतर किनको बेसिकली जो है वो नोटिफाई कर देंगे, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। अब ये कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट क्या हुआ, हर वो स्टेट, यही जो आपने जो है वो ग्लोबल इनिशिएटिव के तहत जिन देशों के बीच में आपस में समझौता है ट्रीटी साइन हुआ है उनको, कि देखिए हमारे देश का एक बंदा वहां पे है, वहां उसका प्रॉपर्टी वगैरह है, आप अलर्ट रहिए क्योंकि वो आप ही क्या करेंगे वहां पे, कॉन्फिस्केट करेंगे। तो ये किनको दे देंगे, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट को। अगर वो 3 स्टेट में उसके प्रॉपर्टी वगैरह है तो तीनों हमारे लिए क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। लेकिन कितने दिन के भीतर, उस बंदे को जब नोटिस दिया उसके मैक्सिमम कितने वीक के भीतर, 2 वीक्स के भीतर, ताकि वो भी जो है वो अपना एक्शन ले सके। ठीक है, नोटिस में ऑल्सो भी सर्व, अगर मान लीजिए कि उस बंदे का और कोई पता नहीं चल रहा है नोटिस के लिए, छिपा रहा है ना अपने आप को, तो कहा ऐसे केस में आपके पास उसका जो लास्ट पैन और आधार है उस पे उसका मेल वगैरह या जो डिटेल दिया हुआ है एड्रेस का उस पे अगर आपने सर्व कर दिया तो क्या माना जाएगा कि नोटिस सब, फ्यूजिटिव भागना चाह रहा है, छिप रहा है वो, उस केस में ये हमें दिया गया। ठीक है, वेयर इंडिविजुअल टू नोटिस हैज बीन इशूड अपीयर्स इन पर्सन, पॉसिबल, आ गया कोर्ट में, अभी तो बस यही बोला कि आइए, और नहीं आइएगा तो क्या डिक्लेयर करेंगे, जैसे ही वो बोल दिया देखिए स्पेशल कोर्ट क्या करेगा, सारा प्रोसिक्यूशन खत्म, नहीं क्या लिखा हुआ है, प्रोसिक्यूशन अंडर इस एक्ट के तहत खत्म, बैंक के पैसे लिए थे, कार्रवाई थोड़ा ना नहीं होगी, वो तो चलता रहेगा, अब सरफासी एक्ट लगे जो भी एक्ट लगे उसके तहत चलेगा, सिक्योरिटाइजेशन एक्ट जो भी एक्ट लगते हैं, लेकिन इस एक्ट के तहत क्या हो गया, खत्म, इंडिविजुअल नोटिस दिया गया लेकिन वो खुद नहीं आया, एक तो खुद आ गया तो खत्म, खुद नहीं आया अपने काउंसिल को भेज दिया, कहा गया चलेगा, उस केस में हम उसको 1 सप्ताह का समय देंगे क्या प्रिपेयर करने के लिए, एप्लीकेशन प्रिपेयर करने के लिए, किसको, उसके रिप्रेजेंटेटिव को ही काउंसिल कह देते हैं। ठीक है, ना तो जो है वो क्या हुआ, ना तो बंदा जो है वो खुद आया है और ना क्या किया है, ना जो है वो किसी को जो है वो भेजा है,
ना खुद आया ना किसी को भेजा है। अगर ऐसा है सर्विस ऑफ नोटिस है, और लेकिन हमें यह पता है कि नोटिस हमने क्या कर दिया है, पूरे तरीके से हमने नोटिस को जो है वो सर्व कर दिया है। तो हमने नोटिस सर्व कर दिया था, और नोटिस सर्व मैंने बोला पैन और आधार वाले डिटेल पे भी कर दिया, तो नोटिस क्या माना जाएगा, सर्व माना जाएगा। लेकिन इंडिविजुअल हैज इवेडेड सर्विस ऑफ वॉट, जान बूझ करके बंदा क्या कर रहा है, ऐसा कर रहा है कि उसको क्या ना मिले। कहा कि ऐसा अगर कुछ भी है तो हम आगे क्या करना शुरू कर देंगे, प्रोसीड टू हियर द एप्ली, हम आगे सुनवाई शुरू कर देंगे और मान लेंगे कि आपको नोटिस क्या हो गया है, सर्वड हो गया, हम आगे की कार्रवाई करते हैं। अब हियरिंग दिया, एप्लीकेशन का सुनवाई हुआ, बाय एनी ऑर्डर डिक्लेयर इंडिविजुअल एज व्हाट, हो सकता है डिक्लेयर कर दिया। अगर ऐसा कर दिया तो आप रीजन लिखेंगे, और जैसे ही आप उसको डिक्लेयर करती है स्पेशल कोर्ट कि आप क्या है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, चाहे कहीं भी कोई भी लॉ में कुछ और क्यों ना हो, जितने भी केसेस वगैरह आपके कोर्ट में चल रहे हैं, ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं, सारे क्लेम जो आप डिफेंड कर रहे थे वो सारे चीज से आपको वंचित कर दिया गया, और कहा गया कि कुछ नहीं, कोई डिफेंस किसी भी जगह आप नहीं मिले। देखिए लॉ इसीलिए बनाया गया, बोला गया कि किसी एक्ट में, सारे एक्ट में अब अरेस्ट किया जाएगा, किसी एक्ट में कोई आपको मौका नहीं देंगे अपना बात रखने का। पहले क्या करो, पहले आओ और आ करके आप बताओ, यानी कि ये जो फ्यूजिटिव यो है वो इस चीज को क्या करो अपने ऊपर से। देखिए ऐसा इसीलिए किया जा रहा है ताकि बंदे के ऊपर प्रेशर पड़े और वो क्या हो जाए, इंडिया आए, तभी तो आप उससे चीजों को क्या कर पाएंगे, जान पाएंगे, उसके तार कहां कहां जुड़े ये तो आएगा, तभी वो बताएगा। जब आप उसे पूछेंगे बाबू जरा बताना, समझ रहे ना, क्या खिला खिला करके पूछेंगे तब वो बताएगा। तो इसके लिए पहले उसे क्या करना पड़ेगा, आना तो पड़ेगा। ऑन डिक्लेरेशन द स्पेशल कोर्ट मे ऑर्डर, उसके प्रॉपर्टीज को अब क्या कर देंगे, किनके पास ये माना जाएगा कॉन्फिस्केट, ये सारा कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट का नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का माना जाएगा। कौन कौन सा चीज, प्रोसीड ऑफ क्राइम, चाहे कहां हो, चाहे कोई भी प्रॉपर्टी हो, बेनामी प्रॉपर्टी, इंडिया में हो या इंडिया से। अब आप देख रहे हैं किस तरह से किया जा रहा है कि जितने भी चीज हो, ये नहीं कि जो सब्जेक्ट मैटर है उसी का चीज, बैंक का पैसा लिया तो जिस चीज पे चार्ज क्रिएटेड था बस वही नहीं, बल्कि जितने भी तरह के आपने प्रॉपर्टी क्या किए हुए हैं, खड़े किए हुए हैं, वो सारे प्रॉपर्टी को क्या किया जाएगा, कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट ऑर्डर ऑफ स्पेशल कोर्ट कह रहे हैं आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज, प्रोसीड ऑफ क्राइम। अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई किया जाना जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, क्वांटिफाई द वैल्यू ऑफ प्रोसीड ऑफ। कितने बार ऐसा होता है कि पैसे से कोई प्रॉपर्टी नहीं किया तो क्या करेंगे, क्वांटिफाई करेंगे कि कितने पैसे हैं जो किसमें इन्वॉल्व हैं, प्रोसीड ऑफ क्राइम में, और वो कॉन्फिस्केट किया जाएगा। सेपरेटली लिस्ट अदर प्रॉपर्टी, जो वो कहां पे रखे हुए हैं, इंडिया में, इंडिया में जितने प्रॉपर्टी उसका अलग से लिस्ट बनाओ। रीजन ये है कि उन प्रॉपर्टी को तुम तुरंत क्या कर सकते हैं, अपने कस्टडी में। और इधर जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट हैं, जिनके साथ हमारा क्या है, समझौता है, ट्रीटी है, उन सबको बोलेंगे कि आपके कंट्री में ये प्रॉपर्टी, इनको आप क्या करें, कॉन्फिस्केट करें। अब यहां पे कह रहे हैं कि सच प्रॉपर्टी इज वहां कहां पे, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, स्पेशल कोर्ट जो है वो क्या करेगी, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, क्या करने के लिए कि आप जो है वो एग्जीक्यूट कीजिए, किस ऑर्डर को, हमारे इस ऑर्डर को जो है कौन सा कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर है, कि जाइए और उस प्रॉपर्टी को आपके कंट्री में जो है उसको आप कॉन्फिस्केट कीजिए। स्पेशल कोर्ट में एग्जम्प्ट फ्रॉम कॉन्फिस्केशन एनी प्रॉपर्टी, कह रहे किसी प्रॉपर्टी को वो जो है वो कॉन्फिस्केट करने से छोड़ सकते हैं जब पता चला कि उस प्रॉपर्टी को जिसने खरीदा उस पर्सन को कोई नॉलेज नहीं था, अननोइंगली लिया था, बोनाफाइड इंटेंशन के साथ लिया था। और कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पीसे जाते हैं, तो इस कारण से जो है ये प्रॉपर्टी भी कॉन्फिस्केट हो रहा है। उसमें वो अपने परिवार के साथ रहता है, उसके पास रहने का और कोई साधन नहीं है, और वो उतना वेल ब्लेस्ड नहीं है। तो ऐसे कुछ ग्राउंड पे वो चाहे तो उस प्रॉपर्टी को छोड़ सकते हैं कि इसे हम कॉन्फिस्केट फिलहाल नहीं करेंगे। लेकिन देखिए रीजन, बोनाफाइड पर्सन को जो है कोई इंफॉर्मेशन, लेकिन वो भी सब कुछ जान रहा है और मजे ले रहा है, तो इसीलिए बोला जाता है कि फालतू के किसी चीज का मजा भी नहीं लेना चाहिए, तमाशाबीन भी नहीं बनना चाहिए। या तो उसकी रिपोर्ट कीजिए
या वहां पे आप अवेलेबल ना रहिए, सिर्फ वहां पे दर्शक बने हुए तो भी आपकी अकाउंटेबिलिटी आती है। तो ऐसे केस में उस प्रॉपर्टी को हम कॉन्फिस्केट करने से छोड़ सकते हैं। यहां पे एक पॉइंट मैंने लिखा है स्टेप 17, और मैंने यहां पे जो लिखा है वो देखिए, इसको कहां से कनेक्ट कीजिए। तो आप यहीं पे रहते हुए अपने जो है वो पेज में देखिए स्टेप 3 क्या है। स्टेप 3 में हम क्या देते हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं ना, हम नोटिस जो दे रहे, कौन दे रहा है, स्पेशल कोर्ट दे रहा है, लेकिन स्पेशल कोर्ट के पास भेजा किसने है, डायरेक्टर ने। अब देखिए यहां क्या कह रहे हैं, डायरेक्टर को अगर उसी समय लगता है कि कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी को क्या करेगा, जब तक हम इसकी खबर किसको देंगे, स्पेशल कोर्ट को, किसको क्या डिक्लेयर करो, ये जो है वो क्या कर देगा, अपने प्रॉपर्टी वगैरह को एलिनेट करना शुरू कर देगा। तो ऐसे केस में एप्लीकेशन से पहले 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच अटेस्ट पहले क्या कर देगा, अटैच कर देगा किस चीज को, उस प्रॉपर्टी को। और जो है वो कितने दिन के लिए अटैच कर सकता है, 180 दिन तक। तो हु प्रोविजनली अटैच द प्रॉपर्टी सेल विद इन हाउ मेनी डेज, 30 डेज। लेकिन अटैच करने के 30 दिन के भीतर किसके पास एप्लीकेशन दे देगा, अगर शुरू में लगता है कि इसको ऐसा कुछ नहीं है, एलिनेट करेगा, तो सिर्फ क्या करेगा, एप्लीकेशन, और देखा एप्लीकेशन के साथ सारा चीज लगा करके भेजेगा। लेकिन कोई अटैच, अगर प्रॉपर्टी अटैच करेगा तो कर सकता है, कितने दिन के लिए, कितने दिन के लिए, 180 डेज के लिए। लेकिन जिस दिन अटैच किया उसके कितने दिन के भीतर, 30 डेज के भीतर स्पेशल कोर्ट को बताना ही पड़ेगा कि देखिए प्रॉपर्टी अटैच किया, आप आगे की कार्रवाई करें। जितने भी प्रॉपर्टी अटैच हुए हैं सब किनके कस्टडी में होंगे, और चाहे किसी बैंक का कोई भी उस पर चार्ज क्रिएटेड हो, मॉर्गेज क्रिएटेड हो, किसी भी तरह का इनकम्ब्रेंस होगा, उसी मोमेंट माना जाएगा कि इट इज फ्री फ्रॉम ऑल, या आपने किसी पर्सन से जो है वो लोकल लिया था तो भी क्या माना जाएगा, फ्री माना जाएगा। अगर स्पेशल कोर्ट कहती है कि नहीं, फाइनली, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये क्या नहीं है, फिजेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, ऐसे केस में उनके प्रॉपर्टी को क्या कर दिया जाएगा, रिलीज किया जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑलरेडी कौन अटैच कर रखा है, डायरेक्टर कर रखा है, उस केस में रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन इसकी भी जिद देखिए डायरेक्टर की, वो कहता है कि मैं आपको भी चैलेंज करूंगा। अब दो ऑथोरिटी के बीच में भी टसन, पुलिस भी जो है वो इन्वेस्टिगेट करती है, कोर्ट सब तो जो है वो आपका जो है वो गवर्नमेंट का ही पार्ट है, लेकिन वो भी सेशन कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है, तो बोलते हैं हम आगे क्या करेंगे, आगे की अदालत में अपील करेंगे। तो वैसे ही ये कह रहे हैं कि हमने इतना छानबीन किया, सब कुछ करके दिया, आप कह रहे हैं कि बंदा जो है वो फ्यूचर इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट परेशान है, उसको डिक्लेयर कीजिएगा तभी तो जो है आगे हम कार्रवाई करेंगे। ऐसे केस में इनके पास 90 डेज का समय है, जिस दिन ऑर्डर दिया, ज्यादा से ज्यादा और कितने दिन तक अपने कस्टडी में रख सकते हैं प्रॉपर्टी को, वो भी तब जब वो क्या करने वाले हैं, अपील, और अपील करने के तक ये रखना जरूरी है। अगर ये साबित कर देते हैं तो और 90 डेज तक रखेंगे, नहीं तो इमीडिएटली पहले क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। अपील आप कीजिए, अपील आपका राइट है, कर सकते हैं, लेकिन अगर वो साबित कर देता है कि नहीं, अपील तक हमें ये रखना क्या है, जरूरी है, अपील का पार्ट है, तो वो उसे अपने कस्टडी में रख सकता है। अपील करने के लिए इनके पास समय कितने दिनों का है, कहां अपील कर सकते हैं, हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं, कितने दिनों के भीतर, 30 डेज के भीतर कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, इंटरलोकेटरी ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो अपील, इंटरलोकेटरी का मतलब होता है इन बिटवीन, इंटरिम जिसको बोलते हैं, तो कहा फाइनल ऑर्डर ही सिर्फ अपील में जाएगा, कोई भी इंटरिम ऑर्डर जो है वो अपील में नहीं जाएगा, पहले उनको तो निपट लेने दीजिए। फाइनली क्या कहते हैं, 30 दिन के बाद भी चाहे तो इस चीज को क्या कर सकते हैं, 30 दिन के बाद भी चाहे तो एंटरटेन कर सकते हैं, लेकिन किसी भी शर्त पे, कितने दिन से ज्यादा नहीं। अब देखिए, मैंने नहीं बोला था कहीं कहीं रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, बोला ठीक है, अगर वो साबित कर देता है कि कुछ ऐसा वजह था जो उसके कंट्रोल से क्या था, बाहर था, तो उस केस में आप इसको दे सकते हैं समय, लेकिन किसी भी शर्त पे कितने दिन से ज्यादा नहीं, 90 डेज से ज्यादा का समय नहीं दे सकते हैं। इनके पास सर्च और सीजर का राइट रहेगा या नहीं, अब ये बिल्कुल वैसा ही है जिसने बाकी जगह पे रहता है, कि डायरेक्टर के पास पावर है कि वो क्या कर सकता है, मे बी डिक्लेयर्ड एज फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर,
पोजीशन में ले सकता है, प्रोसीड ऑफ क्राइम को, रिकॉर्ड को ले सकता है और कोई भी और चीज जो उस ऑफेंस से रिलेटेड है उसको अपने कस्टडी में ले सकता है। अगर कहीं पे वो इन करना चाहे तो एंटर कर सकता है, सर्च कर सकता है, चाहे वो पानी का जहाज हो, चाहे वो व्हीकल हो, चाहे वो कोई हाउस हो, चाहे वो कोई बिल्डिंग हो, दरवाजा तोड़ सकता है अगर आपने चाबी नहीं दिया तो, चाहे वो गोदरेज का हो, मैं गोदरेज बोल रहा हूँ यहाँ पे, जो है वो डोर, बॉक्स, लॉकर, सेफ, अलमीरा, जो भी वर्ड है, इनसे चीजों को जो है वो क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, उस पे मार्क क्या कर सकते हैं, कहीं कोई चेंज नहीं है, मार्क लगा सकते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे, और आप जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने पास रख सकते हैं, उसका नोट रख सकते हैं, पर्सन जो वहां पे अवेलेबल है उससे पूछ सकते हैं, बताओ सही कह रहे हो ना, बस ओथ पे बस इतने ही डॉक्यूमेंट है और कोई डॉक्यूमेंट तेरे पास नहीं है, तो ये भी पावर इनके पास है। कोई भी पर्सन का अगर सर्च करना है तो पर्सन को सर्च कर सकते हैं, लेकिन किसी पर्सन को सर्च करने का मतलब होता है उसे अपने कस्टडी में लेना, तब सर्च करेंगे। तो अगर किसी पर्सन को कस्टडी में लिया है सर्च करने के लिए, जिसको फिस्किंग भी कहते हैं, सर्च करना, और कोई इंफॉर्मेशन उसके पास हो, छुपा बैठा हो, सर्च कर सकते हैं, अपने कस्टडी में ले सकते हैं, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा अपने कस्टडी में बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के नहीं रखेंगे। इसमें आने जाने का टाइम जो है वो नहीं देखा जाता, हो सकता है कहीं दूर से उसको आपने क्या किया, अरेस्ट किया है, तो जब आने का टाइम आपके कस्टडी में जब आ गया तो आपके पास 24 घंटा है, उसके 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के पास लाइए। अगर आपको याद होगा तो ये सीपीसी सीआरपीसी में मैंने आपको पढ़ाया है, तो ये सब नॉर्मल प्रोटोकॉल है जो फॉलो करने रहते हैं। लेकिन यहां पे साफ कहा गया कि किसी भी फीमेल का अगर सर्च होगा तो किसी भी शर्त पे ये नहीं होगा जब तक वहां पे कौन नहीं होंगे, सिर्फ फीमेल ही जो है वो ऑथोरिटी जो है वो उनकी क्या कर सकते हैं, फिस्किंग कर सकते हैं या सर्च कर सकते हैं। और जब भी सर्च किया जाएगा कम से कम दो विटनेस वहां पे होंगे जो इस बात को साबित करें कि हाँ मेरे सामने इसके सर्च हुआ है और इसके जेब से कोकीन निकला, गांजा निकला, चरस निकला। अदरवाइज पुलिस जो भी सर्च करके कुछ निकालती है, क्यों पुलिस के केस इतने कमजोर हो जाते हैं, लॉ में ही इतना सारा चीज दिया हुआ है कि दो विटनेस होना चाहिए, उसने साइन किया कि मेरे सामने ये पुड़िया निकला है और सील किया गया ये वही पुड़िया है, इस पे भी वो साइन करते हैं, ऐसा नहीं कि उस समय जो निकला वो आटे का पुड़िया था और बाद में बोला कि ये कोकीन है। तो इस सब देखिए लॉ का मिसयूज भी हुआ है, इसीलिए लॉ इस तरह से बना है कि जो गलत है उसको सजा मिले, लेकिन इनोसेंट अगर है तो उसको किसी भी शर्त पे सजा ना मिले, भले एक आध गलत करने वाला भी क्या हो, बच गया तो बच गया, लेकिन इनोसेंट को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो आप उस पर्सन का भी क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो देखिए आपका ये जो एक्ट था वो सिर्फ क्या बताया, उसने डिफाइन किया कि किस पर्सन को हम बोलेंगे फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, और सिंपल सी बात कही कि वो पर्सन जो किसी ऐसे चीज में इन्वॉल्व है, ऐसे ऑफेंस में इन्वॉल्व है जिसका नाम शेड्यूल ऑफेंस है। शेड्यूल ऑफेंस का मतलब होता है 100 करोड़ या उससे ज्यादा, लेकिन अपने आप को अवॉइड कर रहा है, कोर्ट के सामने नहीं ला रहा है, बाहर बैठा है, बुलाने पे भी नहीं आ रहा है, तो उस केस में कैसे कैसे उसे बुलाएंगे, नोटिस देंगे और कब उसे डिक्लेयर करेंगे, यही बस प्रोसेस हमने पढ़ा है। चलिए अब इसमें हमने एक और नाम बोला है और वो क्या है, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिसमें हमने बोला कि किसी खास चीज को रोकने के लिए, देश के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को रोकने के लिए, बचाने के लिए यहां पे इतने सारे कानून बने, उसमें से एक क्या है, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट भी। तो ये हम लोग करेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में। चलिए तो फिलहाल आज की आपके लिए जो है वो सारी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।